हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टी रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का डेसिबल गेन कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये मल्टी रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यूनिट टू का ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंतर्गत आता है। ये लेक्चर टू है मल्टी रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का, तो डेसिबल गेन हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं हम लोग कि मल्टी रेजिस्टेंस एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, उसका कैसे वर्क, कैसे गेन बढ़ता है उसका, और गेन का फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग निकाल चुके हैं। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, ए भी अगर ए ओवरऑल गेन है और इंडिविजुअल गेन है ए वी वन ए वी टू ए वी थ्री या ए वन ए टू ए थ्री है, तो इंडिविजुअल गेन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ओवरऑल गेन। ठीक है, ये हम लोग निकालते प्रूव किए थे। इस वीडियो में हम लोग डेसिबल गेन निकालेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है डेसिबल गेन निकालना, कि हम लोग इंडिविजुअल गेन नॉर्मल गेन जो दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, उस पर क्वेश्चन भी किए थे, तो अगर डेसिबल गेन में लिया रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें पढ़ते हैं। तो डेसिबल गेन क्या होता है, इफ द गेन इज एक्सप्रेस इन डीबी, अगर नॉर्मल गेन को अगर एक्सप्रेस करते हैं डीबी में तो वैसा गेन को डेसिबल गेन कहते हैं, उसी को डीबी लिखा हुआ है, वही डीबी, डी स्मॉल कैपिटल में डी। If the gain are in dB, the overall gain of multi-stage amplifier is given as the sum of gain of individual stage in decibel. इसका मतलब ये हुआ कि अगर individual gain dB में दिया हुआ है तो overall gain in dB क्या होगा, summation of individual gain in dB होगा। ठीक है, अगर दोनों dB में दिया हुआ है यानी total gain dB में दिया हुआ है तो overall gain in dB में निकालेंगे sum करके, वहाँ multiply करके निकाल देते हैं, यहाँ summation होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वी नो डेट ए बी इजकल टू ए, यही फार्मूला हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। अगर एन स्टेज एम्पलीफायर है तो क्या होता है, इंडिविजुअल गेन का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन यही ए बी इन डी बी होगा तो समेसन होगा, उस समेसन होगा तो हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डी बी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर ए बी गेन है किसी भी एम्पलीफायर का, ए बी गेन है, ए बी वन अगर एम्पलीफायर वन का गेन है, ए बी टू एम्पलीफायर टू का गेन है, कोई भी ए भी अगर किसी एम्पलीफायर का गेन है तो ए भी इन डी बी उसी एम्पलीफायर के गेन को डी बी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 20 log करते हैं, 20 log इन ए भी, मतलब ए भी को डी बी में कन्वर्ट करने के लिए 20 log ए भी करेंगे। समझ में आ गई बात, अगर ए भी इजकल टू दिया हुआ रहेगा, ए भी इजकल टू दिया हुआ 10, एग्जाम्पल से ए भी इजकल टू 10 दिया हुआ, तो ए वी इन डी बी क्या होगा, 20 log 10, इसका मतलब 20 × 1 यानी 20, तो ए वी 10 दिया हुआ है ये नॉर्मल में, तो ए वी इन डी बी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सारा कैसे निकालेगा, इंडिविजुअल गेन का भी दिया हुआ तो सबको हम लोग डी बी में निकाल के उसको फिर एडिशन करके हम लोग ओवरऑल गेन भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले फार्मूला प्रूफ करते हैं, ये हुआ डी बी में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग जानेंगे ये फार्मूला जो समेसन वाला है वो निकाल रहे हैं हम लोग, तो कैसे, इसी फार्मूला से निकालेंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है तो हम लोग टेकिंग लॉग बोथ साइड, बेस में 10, लॉग जो ले रहे हैं वो क्या है, बेस में 10 है, बेस में ई वाला नहीं, एल एन नहीं ले रहे, लॉग ले रहे हैं बेस में 10 वाला, तो यहाँ ए वी है, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग 10 ए वी होगा, उसी तरह से हो जाएगा लॉग एन ए बी वन इंटू ए बी टू इंटू ए बी थ्री इंटू डैड ए बी एन। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, दोनों साइड में 20 से गुना कर देते हैं, तो टेकिंग मल्टीप्लाई बाय 20 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड क्या हो जाएगा, 20 log ए वी, 10 नहीं लिख रहे हैं, बेस में 10 अंडरस्टूड है, 20 log ए वी वन इंटू ए वी टू इंटू ए वी थ्री डैश ए वी एन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 20 log ए वी इक्वल टू हो जाएगा 20 log। अब यहाँ ध्यान देना है,
हम लोग जानते हैं लॉग लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। लॉग एम इंटू एन अगर रहेगा तो लॉग एम प्लस लॉग एन, एम एम डिवाइड रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इंटू में सारा ये, तो क्या हो जाएगा, ए बी वन जो 20 log 20 सब में गुना होगा, प्लस 20 log ए वी टू प्लस 20 log ए वी थ्री प्लस डैश 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 प्लस 20 log ए वी एन, ठीक है। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आगे। अब मैंने बताया अभी कि ए वी इन डी वी क्या होता है, 20 log ए वी, तो ये 20 log ए वी दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या है, डी वी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये 20 log ए वी है तो ये किसको लिख सकते हैं, ए बी इन डी बी। उसी तरह से इसके भी लिए हो जाएगा ए बी वन इन डी बी, डी बी इन टू में नहीं है, डी बता रहे कि ये डी बी में है। उसी तरह से ये भी हो जाएगा ए बी टू इन डी बी। तो हम लोग जो रिजल्ट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, रिजल्ट हमारा यहाँ हो जाएगा ए बी इन डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी वन इन डी बी प्लस ए बी टू इन डी बी प्लस डैश 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 ए बी एन इन डी बी। ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनली। तो ये जो डेसिमल में ये फॉर्मूला आया है गेन का, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, दे देगा। एन तक है तो एन स्टेज रहेगा, अगर 3 है तो ए बी वन ए बी टू ए बी थ्री रहेगा, डी बी में रहेगा। ये ध्यान रहना कि डी बी में रहे तो, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन का एग्जाम्पल हम लोग देंगे, लेकिन अभी उससे पहले एक पावर गेन के बारे में भी हम लोग पढ़े। तो पावर बराबर होता है क्या, पी एच कल टू, अगर इलेक्ट्रिकल में हम लोग देखें तो पी एच कल टू होता है बी इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट, ठीक है। तो पावर गेन है तो आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, या पी आउट बाई पी इन, ये तो जानते हैं गेन बराबर क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट। तो ये भी फॉर्म होता है ए बी इंटू ए आई, ये कैसे होगा इससे हम लोग देखेंगे। आउटपुट ये यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, ये प्रूव कर रहे हैं, ये पी आउट बराबर क्या होगा, वी आउट इंटू आई आउट, वी इन इंटू आई इन, पी इन बराबर होता है वी इंटू आई इन। अब इसको अलग, इसको अलग लिख लेंगे, तो वी नॉट बाई वी आई क्या होता है, वोल्टेज गेन इन, ये आई नॉट बाई करेंट गेन, तो यहाँ से ये आ गया, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। पावर इन डी बी रहेगा तो यहाँ 10 log करेंगे, 20 log नहीं करेंगे, यही बस बताने का मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 log करेंगे। इसका भी रीजन होता है क्योंकि वी स्क्वायर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वी स्क्वायर आर होता है, ये आई स्क्वायर आर, तो स्क्वायर के कारण ये इधर से डिवाइड हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, वो 10 log हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए पी इन डी बी क्या होगा, 10 log ए पी होगा, ऐसे ए वी इन डी बी कर देते 20 log ए वी कर देते, लेकिन ए पी यानी पावर गेन, जब जब भी पावर गेन अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो पावर गेन अगर रहेगा उसको डी बी में, यानी 10 watt दिया हुआ है तो 10 log 10 log 10 करेंगे, इसका मतलब 10 × 1 आएगा, यानी 10 ही आ जाएगा वो, तो ये ऐसे डीबी में कन्वर्ट होगा, 10 log करेंगे, 20 log नहीं करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से, तो वही एपी का फॉर्मूला लिख दिया, पी आउट बाई पी इन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन कैसे आता है, वो जो जो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन दिए थे, सेम ही क्वेश्चन यहाँ पर भी है रहेगा। क्या है ये जो क्वेश्चन है, ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ 60, 100, 160, कैलकुलेट द ओवर गेन ऑफ आउटपुट इन डी बी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ, ये डी बी में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ये डी बी में नहीं दिया हुआ है, तो इसको डी बी में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो पहले क्या कन्वर्ट करेंगे, ए बी वन इन डी बी, ठीक है। पहले कैसे बनाएंगे इसको, ए बी वन इन डी बी लिखेंगे, ए बी वन इन डी बी क्या होगा, 20 log 60, ठीक है। ए बी टू इन डी बी 20 log 100, ए बी थ्री इन डी बी 20 log 160, जो भी वैल्यू आएगा
अब लिखेंगे ए वी डी वी का फॉर्मूला, अभी हम लोग प्रूव किए हैं क्या होता है, तो तीनों का समेशन हो जाएगा क्योंकि तीन स्टेज है, तो ए वी वन इन डी वी, ए वी टू इन डी वी और प्लस ए वी थ्री इन डी वी, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का क्या होगा, समेशन होगा, ये तीनों का वैल्यू निकाल के समेशन कर देना, वो आ जाएगा हमारा ओवरऑल गेन इन डी वी, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेसिबल गेन। अब इसी वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी पढ़ेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग का हेडिंग है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता क्या है, द कर्व बिटवीन वोल्टेज गेन एंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एम्पलीफायर। किसी भी एम्पलीफायर का कर्व किसके किसके बीच होना है, जो गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच होना है, उस उसे हम लोग उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच होना चाहिए, जो कर्व किसके बीच होना चाहिए, गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच रहेगा तो वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बीच होना चाहिए, तो वो कर्व को हम लोग फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पर हमारा गेन रहेगा, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी, सॉरी उल्टा हो गया, वाई एक्सिस पर गेन रहेगा और एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो जो कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो, तो कर्व कैसा ड्रॉ होता है, जब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा रहे हैं तो गेन घट या बढ़ रहा है, तो कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो ये घटता बढ़ता है जिसके कारण एक कर्व होता है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो ये घटेगा यानी ये घट और वैरी कैसे कर रहा है, वैरी क्यों कर रहा है और कैसे करता है, वो होता है रिएक्टिव कर्व। यहाँ पर देखिए, इन एन एम्पलीफायर गेन इज वैरी विथ फ्रीक्वेंसी बिकॉज रिएक्टिव ऑफ द कैपेसिटेंस इन द सर्किट। जो भी कैपेसिटर लगाते हैं एम्पलीफायर के अंदर, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होने के कारण गेन भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, क्योंकि कैपेसिटर उसी एम्पलीफायर में लगा रहा है, और गेन भी हमारा कैपेसिटर पर डिपेंड करेगा, तो फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करने लगा गेन, तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा, तो एक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग तो हमारा गेन भी वेरी करेगा, तो उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लेंगे, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स में बी डिवाइडेड इंटू थ्री जन। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकाल लिए हैं तो उसको तीन भागों में डिवाइड किए हैं, मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज, लोअर बैंड फ्रीक्वेंसी, लो बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज और हाई बैंड फ्रीक्वेंसी। तो मिड बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज जो है यही हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट गेन प्रोवाइड करता, बाकी जो दो गेन है वो कॉन्स्टेंट गेन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट गेन प्रोवाइड करेगा, बाकी ये बिहेव कैसे करेगा, हाई पास फिल्टर के जैसा और ये लो पास फिल्टर के जैसा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आता कैसा है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमारा ये, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये हमारा, इस तरह से कर्व हमारा आता है। तो ये जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत ही कम वैरी हो रहा है यहाँ से ऐसे, है ना, ये और कम रहता है यहाँ पर दिखाने के लिए कि थोड़ा वैरी कर रहा है, और बाकी इधर और इधर बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है, मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, चेंज इतना ज़्यादा हो जा रहा है, अगर कट करेगा देखो यहाँ पर कट कर, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है इधर लोअर में और उसी तरह से हाइयर में। तो जो मिडिल जो है, मिडिल फ्रीक्वेंसी, ये मिड फ्रीक्वेंसी होगा, इधर लोअर होगा, इधर हाइयर होगा, तो मिडिल फ्रीक्वेंसी रेंज में क्या कांस्टेंट टाइप का दे रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी दे रहा है। इधर में कैसे दे रहा है, हाई पास, हाई पास फिल्टर का ऐसे ही ग्राफ होता है, हाई पास फिल्टर का कैसे, लो पास कैसे होता है और हाई पास का ऐसे होता है, तो यहाँ हाई पास फिल्टर का, ठीक है। तो ये तीन भाग, तो यहाँ से यहाँ मिड और यहाँ लोअर और यहाँ हाइयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ये जो मिड, ये जो देख रहे हैं कि यहाँ पर यह मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम क्या है, ए मान लिए हैं, ए कोई मैक्सिमम मान लिए नहीं पता, 50 100 जो भी हो ये रहेगा, तो वो फ्रीक्वेंसी जो जिस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम होता है, पीक पहुँचता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया। अब एक टर्म आता है बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ के बारे में हम बताते हैं, बैंडविड्थ क्या कहलाता है,
बैंडविथ होता है द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच द गेन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 20.7% ऑफ द मैक्सिमम गेन इज नोन एज बैंड। मतलब ये कि किसी भी मैक्सिमम गेन का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में बैंडविथ क्या एक तरह का फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज कैसे निकलता है, मैक्सिमम गेन का 70.7% या उससे ज़्यादा जो वैल्यू आएगा उसका जो रेंज आता है फ्रीक्वेंसी पर, उस रेंज को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, तो मान लेते हैं ए है, ये मैक्सिमम ए है, तो मैक्सिमम ए है तो इसका 70.7% क्या होगा, 0.707 निकाल के देख सकते हो। तो ए है तो उसका 70 हो जाएगा 0.707 ए, अगर ये 100 है तो 70.7 हो जाएगा 70.7, तो ए है तो 0.707 ए यहाँ आएगा, तो ये जहाँ आएगा वो कट कराएंगे इस पर, तो यहाँ कट कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है, दो जगह कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट जहाँ कट कर रहा है तो नीचे जो ड्रॉ करेंगे तो ये दो फ्रीक्वेंसी आएगा ना जहाँ कट कर रहा है, एफ वन और एफ टू, तो इसी रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। बात समझ में आई, मैक्सिमम गेन का 70.7% जहाँ कट करता है वो जो रेंज कहलाता है, वो रेंज को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन हो जाएगा, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, एफ टू माइनस एफ वन हो जाएगा। ठीक है, एफ वन को क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये एफ टू को हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब ये लोअर कट ऑफ हायर इसलिए कि जो भी अगर कोई भी एम्पलीफायर ले रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ हमको पता है, एफ वन एफ टू अगर पता है तो हम बता सकते हैं इसी रेंज में गेन हमारा क्या है, अच्छा मिल रहा है, कांस्टेंट टाइप मिल रहा है, बाकी इससे कम में क्या गेन घट जा रहा है। अगर किसी एम्पलीफायर का गेन 100 है तो गेन इसमें क्या है, तो 70 या 100 के बीच में आ रहा है, इसके नीचे जैसे ही जा रहा है एफ वन के नीचे, अगर हम सिग्नल फ्रीक्वेंसी, अगर एफ वन का वैल्यू अगर 5 हर्ज है, इससे अगर 2 हर्ज का अगर फ्रीक्वेंसी लेंगे तो उसका गेन हमारा 70 भी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब 70 टाइम्स भी गुना नहीं कर पाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, और हायर भी लेते हैं तो अगर ये 10 हर्ज है तो अगर 11 12 लेते हैं तो बहुत ही कम गेन मिलेगा, लेकिन अगर हम 5 या 6 7 8 लेते हैं तो इसी रेंज के अंदर आएगा और उसे हम 100 से लेकर 70 के बीच में गेन मिल पाए। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ हो गया हमारा। ठीक है, तो बैंडविड्थ भी दो तरीके का होता है, ये हुआ नॉर्मल गेन और ये ग्राफ। अगर ये गेन डीबी में दिया रहता, ये तो नॉर्मली दिया, अगर गेन डीबी में दिया रहता तब तो उसे बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम गेन अगर डीबी में दिया हुआ है उसमें से 3 dB घटा देंगे, 3 dB घटाने के बाद जहाँ कट करेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो रेंज को हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ। एग्जांपल के तौर पर अगर ए का वैल्यू अगर 60 dB है तो उसमें 3 dB घटा देंगे, 3 dB यानी क्या हो जाएगा 57 dB, तो 57 dB कुछ यहाँ 60 है तो 57 dB यहाँ आएगा, यहाँ जो कट करेगा तो वो हमारा एफ वन और एफ टू, और एफ वन एफ टू के बीच का डिफरेंस को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 dB घटाने के बाद मैक्सिमम गेन से 3 dB घटाने के बाद जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, एक और डिफिनेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग एफ वन एफ टू को हम लोग 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एफ वन एफ टू को हम इसी कारण से 3 dB फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब बात हुआ हमारा यहाँ। अब 3 dB कैसे आता है, ये क्या है 70.7 कैसे निकलता है, ए का ए बाय रूट टू भी बोल सकते हैं इसको, रूट टू से डिवाइड देंगे तो यही आएगा वैल्यू, तो मतलब ए का ए बाय रूट टू करते हैं जो जो रेंज आता है वही हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। तो इसको अगर हम डीबी में कन्वर्ट करेंगे तो वही 20 log a/√2, तो क्या होगा 20 log a - 20 log√2, 20 log√2 का वैल्यू 3 आता है, 3.01 होगा, तो वही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 20 log a को a in dB - 3, तो a dB में से 3 dB घटाएं तो वही वैल्यू आया, यही वैल्यू आएगा dB में, ये नॉर्मल है dB में, तो dB में वही चीज़ कटेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लोग ये हमारा हो गया था बैंडविड्थ, तो वही बैंडविड्थ का यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, वही बता चुके थे फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच गेन इक्वल टू ग्रेटर देन 20.7%
या ए का ए बाय रूट टू निकाल देंगे, अगर 70 है तो 70 का रूट बाय रूट टू देंगे, वही वैल्यू 70.7 आता है, ठीक है। तो वो रेंज को हम लोग क्या करते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। वही एफ टू माइनस एफ वन जैसे फिगर से, तो एफ वन क्या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ टू हाइयर कट ऑफ। वही यहाँ पर बैंडविड्थ कैन ऑल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डीबी, डीबी के रेंज क्या होगा, वो 3 dB फॉल्स कर देंगे किससे, मैक्सिमम गेन से। तो वो जो रेंज फ्रीक्वेंसी में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग एफ वन और एफ टू को क्या बोलते हैं, 3 dB फ्रीक्वेंसी। तो इस वीडियो में यही रहेगा, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यहीं तक चैप्टर रहता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस यूनिट का होगा पावर एम्पलीफायर। तो इस भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का बस 2 ही लेक्चर आता है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। लेक्चर 2 जो आज का लेक्चर है उसको समझने के लिए हम लोग को लेक्चर 1 देखना पहले ज़रूरी है। तो पहले लेक्चर 1 आप लोग देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो।